हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स इन हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें इनसाइन क्रीम ये किस पे वर्क करती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कौन कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। प्लीज़ अगर आप पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही इस बेल आइकन घंटे को भी दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, अन्यथा डिसलाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इनसाइन क्रीम ये किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाई गई है और क्या वर्क करती है क्रीम। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये भी बता दूँ किन किन पदार्थों से मिलकर बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कोजिक एसिड और यहाँ पर एंड विटामिन सी। तो दोस्तों, कोजिक एसिड है वो आपकी त्वचा को, जो स्किन को मुलायम बनाती है, कोमल बनाने में वर्क करती है। और यहाँ पे विटामिन सी है जो आपकी स्किन को जो ग्लो निखारने में बहुत ही मदद करती है, विटामिन सी। तो दोस्तों, कोजिक एसिड आपकी स्किन को मुलायम, जो कि डार्क स्पॉट्स हैं, गड्ढे हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्रीम है। आप देख सकते हैं रेडनेस, स्कार और मार्क्स इसको बिल्कुल भी रिमूव कर देती है। ठीक है, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किस तरह से आपको यूज़ करना है, डे में इसका यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों। अगर इसका यूज़ कर रहे हो तो सनस्क्रीन क्रीम का यूज़ तो बिल्कुल भी करना है आपको। किस तरह से यूज़ करना है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर डे में यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों इसका यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। नाइट में कर रहे हो तो इसका यूज़ कीजिए। कितने दिन तक आपको ये यूज़ करनी है, किस तरह से ये क्रीम वर्क कर रही है आपकी स्किन पर। ठीक है, तो अगर ये क्रीम आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्किन पे रेडनेस और डार्क स्पॉट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह लें। और ये क्रीम आपको 15 ग्राम की ये क्रीम आती है, आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। और यहाँ पे इसकी प्राइस दे सकते हैं 150 रुपये है। ठीक है, और इसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से जाकर आप इसको मंगवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन इस लिंक से मंगवाते हो तो इस प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो कम लगेगा चार्ज। ठीक है, 150 रुपये है तो लगभग 135 या 140 रुपये में आसानी से आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको किस तरह से यूज़ करनी है तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों, लाइक तो ज़रूर करें इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आपकी स्किन को सोने से पहले अच्छे से फेस वाश के साथ आपकी स्किन को साफ करना है। साफ करने के बाद में गुलाब जल का यूज़ करना है, जो भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कौन सा गुलाब जल आपको यूज़ करना है वो मंगवा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में इस क्रीम का आपको यूज़ करना है, वो भी सिर्फ एक बार ही, हल्के मालिश की तरह, मालिश नहीं करनी, सिर्फ एक बार ही आपको स्किन के ऊपर लगाना है। 30 मिनट के बाद में दोस्तों आपको स्किन को साफ करना है। साफ करने के बाद में आपको गुलाब जल का यूज़ करना है और सुबह उठते ही गुनगुने पानी से साफ कीजिए। और सनस्क्रीन क्रीम का भी यूज़ कीजिए, वो भी मैंने एक वीडियो बना रखी है और इसकी भी मैंने लिंक डाल दी है, उसको भी मंगवा सकते हैं आप। दोस्तों, आप देखते देखते इतना गोरापन आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका बिल्कुल भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, आप सही तरह से यूज़ कर रहे हो तो। अगर इस क्रीम का आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी स्किन को बहुत ही मुलायम बनाती है। और ज़्यादा इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो, बहुत ही हद से ज़्यादा, तो आपकी बहुत ही 2 या 3 दिन के अंदर इतना कोमल बना देगी, जिससे कि आपकी सूर्य की किरणें से आपकी स्किन और भी कालापन दिखा देगी। तो दोस्तों, मेरी ये राय है सनस्क्रीन क्रीम का ज़रूर यूज़ कीजिए। इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। नाइट में यूज़ करें, डे में किसी भी क्रीम का यूज़ करें, साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल भी है। सनस्क्रीन का मेरा ये राय है कि डे में सनस्क्रीन क्रीम का ही यूज़ करें आप। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, और हाँ पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं।